सर, पाकिस्तान ने फिर से हमें क्रिकेट खेलने का न्योता दिया है। शायद पाकिस्तान पिछला मैच भूल गया है हमने कैसे उसको धुलाई किया था। हमें पता था हमारे शर्त तुम नहीं मानोगे। शायद तू भूल गया है पिछले मैच में कैसे धुलाई किया था। इंडियन आर्मी, शायद तू भी भूल गया है एशिया कप में तुम लोगों को पाकिस्तान ने कैसे हराया था, याद है? वो तो बेटा समझ के तुम लोगों को एक मैच जीतने का मौका दिया था। अच्छा दाम है तो इस बार क्रिकेट मैच में हमसे जीत के दिखा। ठीक है तो मिलते हैं क्रिकेट के मैदान पे। आज का ये शानदार मैच इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आतंकवादियों के बीच, चलिए टच के मैदान पे चलते हैं। तो क्या लगता है टॉच कौन जीतेगा, चलिए देखते हैं। हेड या टेल? हेड। अभी टॉच होने वाला है। आपको बेटिंग मिला है? और ये टॉच जीत के पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बेटिंग ले लिया है। तो चलिए देखते हैं मैदान पे किस्मत किसका साथ देते हैं। मैदान पे जाते हुए बल्लेबाज एस के आपान और बी अहमद। तो देखने वाली बात यह होगा इतना इंपॉर्टेंट मैच इंडियन आर्मी कौन से स्ट्रेटेजी के साथ खेलेगा। इस मैच का पहला गेंद नयन और सामने है एस के आफान। और पहला गेंद व्हाइट के साथ खाता खुला पाकिस्तानी टीम की। अबे इंडियन आर्मी, तुम तो पहले बॉलिंग व्हाइट कर दिया, पता है तुम लोग कैसा खेलोगे। शायद उदास होगा गेंदबाज नयन। आर्मी कैप्टन बहुत ही सीरियस है इस मैच को लेके। ये है तीसरा गेंद और ये क्या, एस के आफान ने भेज दिया बाउंड्री के बाहर। और इसके साथ और एक सिक्स चौथी बॉल पे और एक बाउंड्री और इस ओवर का पांचवी गेंद। और ये क्या, नयन की गेंद से आउट हुआ एस के आफान। किस्मत ने साथ नहीं दिया एस के आफान का, अब ना खुश होगा एस के आफान। तो अब मैदान पे आया है बल्लेबाज आसिफ और ये पहला ओवर का लास्ट गेंद। आसिफ को मिला है तीन रन एक विकेट के साथ, पहला ओवर का समाप्ति होता है। दूसरा ओवर गेंदबाज कैप्टन राकेश, दूसरा गेंद और एक फोर और इसके साथ और एक सिंगल रन। चौथी गेंद बी अहमद की रन लेने की कोशिश, पांचवी बॉल और एक बाउंड्री। लास्ट दो गेंद पे लगातार दो बाउंड्री। तीसरा ओवर गेंदबाज मनोज, मनोज की गेंद पे भी बाउंड्री। बी अहमद के बल्ले बल्ले मनोज के गेंद पे प्रभारी। चौथी ओवर का शुरुआत कैप्टन का पहली गेंद पे सिक्स, खुश होगा पाकिस्तान टीम। और एक बाउंड्री, शायद आज किस्मत पाकिस्तान के साथ। टीम इंडिया की तरफ से LBW की आपको अंपायर का इशारा। आउट नहीं हुआ, नहीं आउट नहीं हुआ, सच के साथ खेल, रिव्यू लेके देख। अंपायर का पहला निर्णय सही रहा, आसिफ आउट। मैदान पे आया है एस के साजिद, तीन ओवर चार गेंद पे 46 रन। क्या ये रन रोक पाएगा कैप्टन? और ये क्या, कैप्टन के जाल में फंस गया एस के साजिद, पहली गेंद पे जीरो रन पे आउट। अब मैदान पे आया है MD राकिब। इस ओवर का समाप्ति होता है चौके के साथ। गेंदबाज मनोज, इस ओवर का पहली गेंद, एक रन चुरा लिया बी अहमद। इस ओवर का दूसरा गेंद MD राकिब की बल्ले से आया एक छक्के। तीसरा गेंद और एक या MD राकिब के बल्ले से आया लगातार दो छक्के। और ए रहा चौथी गेंद, MD राकिब के बल्ले से लगातार तीन बाउंड्री। और एक शॉर्ट रन,
शायद राकिब का बैट का जादू हुआ खत्म। दो रन के साथ इस ओवर का समाप्ति। यही लास्ट ओवर है, हमारा हर बॉल में सिक्स फोर चाहिए। लास्ट ओवर, गेंदबाज नयन। यही लास्ट ओवर है, ज्यादा रन हो गया, अच्छे से बोल पाए। ठीक है सर। लास्ट ओवर का पहला गेंद डालते हुए नयन, राकिब को मिला सिर्फ एक सिंगल रन, और ये दूसरा गेंद बी आमेद को एक भी रन नहीं मिला। तीसरा गेंद एक भी रन नहीं मिला अहमद को, बहुत ही सोच समझ के डालते हुए गेंदबाज नयन। अरे क्या कर रहे हो, अच्छे से खेलो, और सिर्फ तीन बॉल बाकी है, हमें और ज्यादा रन चाहिए। ठीक है, क्या आप अहमद के बल्ले से आएगा बाउंड्री? और ये चौथी गेंद सिर्फ दो रन ही मिला, और ये पांचवी गेंद और एक सिंगल रन। इस इनिंग्स का लास्ट गेंद, और ये क्या गेंदबाज नयन का जय जयकार, अनबिदा की दुआ। आओ ज्यादा उछल मत, ये मैच हम ही जीतेंगे। ए दम है तो ये मैच जीत के दिखा। अच्छा का तो स्कोर ये लगा दिया पाकिस्तान ने बोर्ड पे, 6 ओवर के बाद 74 रन 4 विकेट के नुकसान पे यह बोर्ड पे लगा है। लक्ष्य है 74 का, जीतने के लिए बनाना होगा 75 रन। सेकंड इनिंग्स का शुरुआत मैदान पे जाते हुए मनोज और जयदेव। सेकंड इनिंग्स का पहला ओवर, गेंदबाज एस के आफान और सामने है बल्लेबाज मनोज। इस ओवर का पहली गेंद बल्लेबाज मनोज को एक भी रन नहीं मिला। दूसरा गेंद नाकामयाब बल्लेबाज मनोज। तीसरा गेंद, इस बार भी मनोज का बैट और गेंद में कोई संबंध नहीं। चौथी गेंद और एक बेहतरीन शॉट, और ये क्या एसके आफान ने पकड़ लिया कैच, बल्लेबाज मनोज आउट। शायद आज किस्मत इंडिया का साथ नहीं देगा। बे इंडियन आर्मी, पहले ओवर में आउट हो गया, वो भी बिना रन पे, पता है तुम लोग कैसा खेलोगे। मैदान पे जाते हुए कैप्टन राकेश, क्या ये मैच कैप्टन जीता पाएगा? और ये पांचवी गेंद बहुत ही सावधानी से खेला कैप्टन, और ये पहला ओवर का लास्ट गेंद कोई भी रिस्क नहीं लेते हुए कैप्टन। चले ये क्या हो रहा है, पहले ओवर पे एक रन भी नहीं हुआ और एक विकेट भी चला गया। याद रखना हमें ये मैच कैसे भी करके जीतना होगा। हाँ सर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मैच हम हार जाएंगे। देख के खेलना। एक शानदार सफल ओवर की समाप्ति 0-1 के साथ कैप्टन एस के आफान के द्वारा। दूसरा ओवर का पहली गेंद, आसिफ का ये वाइड गेंद छू लिया बाउंड्री, टीम इंडिया का खाता खुला 5 रन के साथ। और ये पहला गेंद की कोशिश, और ये क्या जयदेव का बल्ले से आया एक छक्का। दूसरा गेंद टीम इंडिया का खाते में शामिल हुआ और एक चौका। चौथा गेंद जयदेव को मिलेगा एक सिंगल रन। इस ओवर का पांचवी गेंद, और इसी के साथ एक सिंगल रन टीम इंडिया के खाते में। सेकेंड इनिंग्स का तीसरा ओवर, गेंदबाज एमडी राकिब और सामने है बल्लेबाज राकेश, और इसी के साथ टीम इंडिया को मिलते हैं 2 रन। और एक शानदार गेंद एमडी राकिब द्वारा नाकामयाब कैप्टन राकेश। चलिए शुरुआत हो गया इस ओवर की एक चौके के साथ, इसी के साथ एक सिंगल और स्ट्राइक मिलेगा जयदेव को। और एक सिंगल रन लेने की कोशिश, लेकिन ये क्या जयदेव हो गया रन आउट। अब इस मुश्किल वक्त में जयदेव भी हो गया रन आउट। अब टीम इंडिया को जीतने के लिए 50 से भी ज्यादा रन चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगा, इस मुश्किल वक्त से गुजर के टीम इंडिया इतना इंपॉर्टेंट मैच कैसे जीतेगा। ये इंडियन आर्मी, देखा दिया ना तेरा औकात, हम भी खेल बाकी है, देखा जाएगा कौन जीतेगा, वो तो वक्त ही बताएगा।
अरे जा जा इंडियन आर्मी, मैच तो हम ही जीतेंगे। अभी मैदान पे आते हुए नया खिलाड़ी विक्रम, क्या किस्मत का साथ मिलेगा टीम इंडिया को? 3 ओवर की समाप्ति 23-2 की नुकसान पे। सिर्फ 3 ओवर बाकी है और जीतने के लिए टीम इंडिया को रन चाहिए 52 और एक सिंगल रन टीम इंडिया के खाते में। और ये क्या, विक्रम भी आउट। इस मुश्किल वक्त पे ये विकेट टीम इंडिया को पड़ेगा भारी। मैदान पे आया है नया खिलाड़ी नयन, टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद। फाइनली आते ही नयन की बल्ले से एक छक्के, इसी का ही तलाश था टीम इंडिया को। और एक सिंगल रन टीम इंडिया के खाते में। क्या चल रहा है मैच को लेके कैप्टन राकेश के मन में? अभी भी मैच का जो हाल है, इतना बुरा सिचुएशन में इतना बड़ा जिम्मेदारी कैसे संभालेगा कैप्टन? और ऐसे ही शॉट का जरूरत था टीम इंडिया को। 4 ओवर की समाप्ति 37-3 की नुकसान पे। सिर्फ 2 ओवर बाकी है, अभी भी जीतने के लिए 38 रन चाहिए। कैसे खेल रहा है टीम इंडिया? ए, हमने बोला था ना ये मैच तुम लोग हार जाओगे, आप पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे ऊपर फूटेगा। इस ओवर का तीसरा गेंद MD राकीब की दोबारा, और एक शानदार शॉट टीम इंडिया को आशा की किरण देते हुए कैप्टन राकेश। और एक सिंगल रन, जी जान लगा के जीतने की कोशिश कर रहा है टीम इंडिया। इस ओवर का लास्ट गेंद, एक सिंगल रन लेने की कोशिश और एक रन, और इसी के साथ इस ओवर का समाप्ति 46-3 की नुकसान पे। किसी भी तरह हमें ये मैच जीतना ही होगा, तुम मुझे एक रन की स्ट्राइक दो। और सिर्फ 6 गेंद बाकी है और इस 6 गेंद में 29 रन चाहिए। क्या ये नामुमकिन मैच को मुमकिन कर पाएगा इंडिया? क्या ये मैच जीत पाएगा इंडिया? पाकिस्तानी कैप्टन भी बहुत चिंतित है, जीत के लिए पूरा तैयारी कर रहा है, जीत का ये मौका खोना नहीं चाहता पाकिस्तान। और शायद इसीलिए ये लास्ट ओवर पाकिस्तानी कैप्टन आह्वान कर रहा है। और लास्ट ओवर का पहला गेंद और एक सिंगल रन। देखो 5 बॉल बाकी है, हर एक बॉल पे छक्का 4 चाहिए, हमें एक भी रन नहीं देना है, ठीक है? अभी स्ट्राइक पे है कैप्टन राकेश और इस मैच का सिर्फ 5 गेंद बाकी है और अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 28 रन चाहिए, मतलब कि हर एक गेंद पे 6 चाहिए और यही तो चाहिए था। अभी भी 4 गेंद बाकी है और ये मैच जीतने के लिए अभी भी 22 रन चाहिए टीम इंडिया को। और ये तीसरी गेंद, और ये क्या, राकेश के बल्ले से आया और एक चौके। और सिर्फ 3 गेंद बाकी है और इस 3 गेंदों पे इंडियन आर्मी को जीतने के लिए 3 छक्के चाहिए। ओ माय गॉड, और एक छक्के। ऐसा लग रहा है कोई भी टीम ये मैच हारना नहीं चाहता, दोनों ही टीम ये मैच जीतने के लिए जी जान लगा रहा है। ये छक्के के बाद टीम इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ और 1 छक्के चाहिए। और शानदार छक्के के बाद ये मैच हो जाता है टीम इंडिया के नाम। और फाइनली आज का ये नामुमकिन मैच अनबिलीवेबल तरीके से जीत जाता है टीम इंडिया। कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया। हर बार की तरह इस बार भी हम इंडियन आर्मी से हार गए हैं। इस बार इंडियन आर्मी के ऊपर ऐसा अटैक करेंगे, उसका नामो निशान मिटा देंगे, ठीक है? मुझे पता था तू हारने के बाद ऐसा ही कुछ करेगा, इसलिए तुझे खत्म करने के लिए यहाँ पे आया। चल मेरे साथ। ए बंदूक नीचे फेंक।